अब आपके सामने एक नया जीवन शुरू हो रहा है। कभी भी पीछे और नीचे नहीं देखना, हमेशा अपनी जिंदगी में आगे और बेहतर से बेहतर होना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। इनके भाड़ में जाइए, कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। जी जी शुक्रिया। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि जो भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो इस चीज को समझे और जो सच्चाई है सच्चाई की तरफ आए, क्योंकि आगे चलकर जो है जब उनको मरना होगा, मरने के बाद जब उनको वो सच्चाई पता चलेगा तो उनके पास बस पछतावा रहेगा और अफसोस करते रहेंगे कि हम जो है उस समय समझ लेते, हमको समझाने के लिए इतने लोग आए लेकिन हम समझे नहीं, हम ढीठ बनते रहे, तो उस समय जो है पछतावा करके फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो बस यही कहेंगे कि सत्य जो है, सच्चाई जो है, उसको एक्सेप्ट कर लें वक्त रहते। जबरदस्त जबरदस्त जी। लाइफ को सीरियस लें, यही जन्म है, इसी जन्म के बाद आपने आगे पेश होना है। ये जन्म जन्म के खेल बंद करें ताकि लोग अपनी लाइफ को सीरियस लें। जैसे ये जन्म जन्म का कार्ड बीच में आता है या लॉलीपॉप आता है, लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं अपनी जिंदगी को लेके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसकी मिसाल आपने लेनी है दस्ती, एक ही बता देता हूं। आप नौजवान होते हो, आप यंग होते हो, आप क्या सोचते हो? अब कहते हो अभी तो इतनी जिंदगी पड़ी है, अभी तो 50-60 साल पड़े हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? आता कि नहीं आता 18-19 साल के, 20-25 साल के लड़कों के, इवन 30s के लोगों के जहन में आता है, अभी तो 40-50-60, अभी तो 10-15-20 साल पड़े हैं। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। जिन लोगों के दिमाग में यह रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है कि जन्म 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 जन्म, तुमने देखा, तुम वापस आए, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? मौत एक हकीकत है, कोई वहां से वापस नहीं आया, किसी ने यहां आकर तुम्हें नहीं बताया। जाग जाओ, इससे पहले कि तुम एड़ियां रगड़ो और तौबा करो इस चीज की कि मुझे एक मौका दे दे, एक मौका मुझे वापस जाने का दे दे, तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा ना। आज तुम्हें यह पैगाम पहुंच रहा है, कल कयामत के दिन तुम नहीं जुटला पाओगे इस आवाज को, ये याद रखना। बहुत शुक्रिया दीदी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी चीज, किसी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो, क्वेश्चंस वगैरह आए, बुक्स वगैरह की हेल्प चाहिए, कोई चीज चाहिए दीदी, तो अलीना सिस्टर हमारे वुमेन विंग के अंदर हैं, आप उनको ईमेल कर लीजिएगा या आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा तो आपको गाइड कर देंगी। नमाज के हवाले से कोई सवाल है, कोई चीजें हैं पर्दे के हवाले से हैं, या आपके इस वक्त हालात घर के जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या स्ट्रेटजी करनी है, बीइंग अ न्यू मुस्लिम, बीइंग अ रिवर्ट, वो हम आपको इंशाल्लाह फिर वहां पे गाइड कर देंगे। ठीक है जी, जी बिल्कुल, शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नहीं दोस्तों, अत्यंत खेद है हमें, अत्यंत खेद है हमें, दिख गया छेद है तुम्हें, अत्यंत खेद है हमें। मैंने आज से 1.5 से 2 साल पहले जब इन स्ट्रीम्स का आगाज करने लगा था, 1.5 साल तो कम से कम हो गया, मैंने एक बात की थी, आए सुनते हैं, और हमारी सनातनी दीदी भी इसको जरूर सुन रही होंगी तो उनके साथ भी ये चीज शेयर हो जाएगी। आपको सुनाते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें जी, आज से 1.5 से 2 साल पहले हम क्या कह रहे थे। नीचे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइबर मेरे उस वक्त 7.2 थे, ठीक है ना, इससे आपको पता चल सकता है ये कितनी पुरानी वीडियो होगी, जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड। आप सुने जी, एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ क्या कभी वो बर्तन भर सकता है जिसके नीचे छेद हो, मुझे बताओ मनविंद्रा। मनविंद्रा क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप, सीधे तो बोलो ना। मैं समझाता हूँ ना, भगवत गीता में सीधी सीधे नहीं ना लिखा, वहां पर ऐसे मेटाफोर बयान किया गया, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि बर्तन, जिस बर्तन में छेद हो वो भरा जा सकता है? नहीं, सनातन धर्म के अंदर छेद है। सुन लो, तुम घर वापसी करवाओगे हम सनातन नीचे से खींच लेंगे, तुम घर वापसी कराओगे हम सनातन नीचे से खींच लेंगे, ये बर्तन में छेद है, ये मेरी मिसाल, समझ गए, इसलिए पंगा नहीं लेना। बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे एक सवाल। जी जनाब, ये 1.5 से 2 साल पहले
मेरे चैनल पर शॉर्ट पड़ी है, कोई भाई कह रहे हैं कि धीमी आवाज, आवाज तो बिल्कुल ठीक थी, ऊंची थी। ठीक है, इसमें मैंने ये चीज बयान की थी, क्या वो बर्तन कभी भर सकता है जिसमें छेद हो? तो हमारे सनातनी भाई ने कहा नहीं, क्योंकि उनका क्लेम ये था कि हम घर वापसी करवा रहे हैं लाखों की। तो मैंने कहा था कि जिस बर्तन में छेद है क्या वो कभी भर सकता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप घर वापसी कराएंगे, हम छेद के अंदर से निकाल लेंगे। आप घर वापसी कराओगे, हम छेद के अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम सत्य पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और परमाणु के आधार पर, आस्था रास्ता और पास्ता नहीं कि जब जी चाहा शास्त्रों को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया और जब दिल चाहा किसी शास्त्र का एक श्लोक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते रहे, जब जी चाहा शास्त्रों से मुंह फेर कर दूसरी तरफ कर लिया, और जब डिबेट के अंदर फंसने लगे, अग्नि पुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण में लिखा है, और जब कहा जाए मत्स्य पुराण में या अग्नि पुराण में यह भी लिखा है, नहीं उसको थोड़ी ना हम मानते हैं, ये तो करप्ट हो चुका है। सही खेल गए हो, सही खेल गए हो अपने धर्म के साथ, सही खेल गए हो सनातनियों, तुम्हें ऊपर वाला हिदायत दे, बस मैं यही कह सकता हूं, तुम्हें ऊपर वाला हिदायत दे। अभी तो अगली स्ट्रीम में करूंगा ना इंशाल्लाह, लौंडीबाजी और लूट के माल का धोखा पार्ट 3 अभी आ रहा है। मैं रुका था डिबेट की वजह से कि डैनियल भाई की डिबेट हो जाए, उसके बाद तीसरा पार्ट आए। अब डिबेट हो गई है, अब आ रहा है लौंडीबाजी और लूट का माल इन सनातन धर्म का तीसरा पार्ट। अब जस्ट गूगल इट, अब उन चीजों का भी जवाब देना जो मैं आगे पेश करूंगा। पिछलों का तो तुमसे बन नहीं पाएगा, जो मैंने फटे उखेड़े हैं, किसी माई के लाल के अंदर दम है तो उन दो एपिसोड्स का ही जवाब दे जाए किसी सनातनी पुरुष, या किसी, बल्कि पुरुष ही कहूंगा क्योंकि इनके पुरुष और हिजड़े सेम ही होते हैं। हाँ जी, इस्लामोफोबिक, यस, ये माइंड इट, माइंड इट, इस्लामोफोबिक सनातनी की बात हो रही है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल सनातनी अच्छे भी हैं यार, क्या हो गया? ये जितनी संतानें आपको अच्छी इंसानों की, सच्चे लोगों की मिल रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म विधि के अनुसार विवाह किया, और जितने इस्लामोफोबिक आपको सनातनी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे या तो राक्षसा विवाह की संतान है, या ये न्योक की संतान है, या ये पिशाच की विवाह की संतान है, या असुर विवाह की संतान है, या गंधर्वा विवाह की संतान है। ये 5-6 प्रकार की संतानें हैं, ये जितने आपको इस्लामोफोबिक हिंदू दिखाई दे रहे हैं, मैं यकीन करो इनका डीएनए करो, कोई चाचा कुमार दूध वाले का बेटा निकलेगा, ठीक है, कोई गोपाल स्वीट्स वाले का बेटा निकलेगा, ठीक है, कोई जनाब चिंकी पांडे जनाब फार्मेसी वाले का बेटा निकलेगा, ठीक है, कोई जनाब अपना सिद्धार्थ खन्ना कोचिंग वाले का बेटा निकलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये इनके डीएनए करवा लो, ये जितने इस्लामोफोब है, इसीलिए तो इनकी उम्रें सबकी एक तरह की हैं, 18 से 25 के अंदर अंदर। कभी नोट किया आपने, जितने इस्लामोफोब हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं रेंज पकड़ू ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 16 और 25 इसके अंदर उम्रें हैं। इसका मतलब यह है एक ही टाइम पर किसी ने ठुकाई की है तब ये निकले हैं, और इसका मतलब यह है कि जिसने भी ठुकाई की है पूरा गैंग बनाकर की है, और एक ही तरह से की है, और एक ही टाइम फ्रेम में की है, दो दो तीन तीन साल के वक्फे के साथ, एक ही टाइम पर ठीक ठाक बड़े मैसेज के ऊपर ठुकाई हुई है, और ये जनरेशन निकली है, ये 16 से लेकर 25 के अंदर जितने इस्लामोफोब्स हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर सर्वे करवाया जाए और इनके डीएनए करवाए जाए इस्लामोफोब्स के, चलो यार मेरे कहने पर एक आध करवा लो सनातनियों जो इस्लामोफोब्स हैं, यकीन करें आपके डीएनए निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, कि रामदेह, हाँ, ये लिखा होगा कि आप रामदेह हैं, राम के भक्त, ये लिखा होगा कि आप रामदेह हैं, कंग्रेजुलेशन, यू आर आर रामदा जी, ऐसे लिखा होगा आपके डीएनए के रिजल्ट पर जी।
ठीक है ना। हाँ, खुश्क वीर्या को छोड़ दो, मैं मेरे मुंह से कोई इधर उधर ना निकल जाए, माफ कीजिए, मैं गुस्से में कहीं इधर उधर निकल जाता हूं। एक्स हिंदू आकाश भाई हमारे साथ। हेलो जी आकाश भाई, आप सनातनी हैं? यस, मैं था पहले, अब नहीं हूँ। अब क्या आप? मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा हूँ बस, लेकिन कुछ सवाल हैं जो मेरे भी बड़े सवाल हैं, मैं रुकिएगा चाहूँगा। रुकिएगा जरा, मैं फिर किसी सनातनी को ले लूं, अभी रुक जाएं आप, ठीक है? एग्नोस्टिक, आप आ गए हो? एग्नोस्टिक माइक अनम्यूट कर लो। एग्नोस्टिक लगता है यार आज इसका मूड नहीं है बात करने का भाई का। अच्छा चले, मीमर करके कोई आए हैं, सनातनी HD एडम मीमर। जी भाई आप सनातनी हेलो हैं? हेलो हेलो, प्रणाम सर, कैसे हैं? अरे जी जी आदाब आदाब, कैसे हैं? प्रणाम कर दो यार, प्रणाम का मतलब ग्रीटिंग्स होता है। मैंने आदाब किया, आदाब का मतलब भी यही होता है, क्या दिक्कत है यार, भाषा है। ओके, जैसे मैं नहीं आपको कह दूं नहीं वेलकम, अहलन वसहलन, जी आया नू, खुश आमदीद, ओके ओके, आदाब, आदाब तस्लीमात, आदाब सब वही है। आदाब, कैसे सनातनी हो? जी, जी अभी जी सनातनी। आर्य एक समाज साल से हैं या पहले नॉर्मल? सना क्या? आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? नहीं, मैं आर्य समाज का धीरे धीरे फैन होता जा रहा हूँ, पता नहीं। मतलब मैं अच्छा, आर्य फैन होते जा रहे हैं जी, यार, मैं भी फैन मतलब हो गया हूँ। मैंने एक ना वीडियो देखी है, उसके बाद मैं फैन हो गया हूँ। हेडफोन लगा लें जी, जल्दी से हेडफोन लगा लें। हाँ हेडफोन लगाएं जल्दी, बाद में मुझे ना कोई कहना। मैंने भी एक ना आर्या समाजी को सुना है, मैं उसका फैन हो गया हूँ। बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, आपसे अच्छे से बात होगी सर, मैंने ये सुना था, ये जरा सुनिएगा। ये भी आर्या समाजी है और चतुर्वेदी है। जी दिस इज माई सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। कहाँ जी मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली, आओ ना बेबी चुदा, आओ ना आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। आई कैन शो टू एवरीबडी एंड आई कैन थ्रो ऑन देयर देयर फेस। ये दारू की चीटी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? यू आर नॉट केपेबल टू जज मी, यू आर नॉट केपेबल टू जज मी। मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगा बन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोर है ना, हम तो चोर देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो थ्रिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो थ्रिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो थ्रिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। वॉट एवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। जी आर्या समाज से प्रभावित एक व्यक्ति जो के दिल्ली कमला नगर बिरला लाइंस से, गुरुकुल से रजिस्टर्ड आर्य समाजी हैं। जी जनाब, इसका मतलब है आप बाय द वे इट जी वाज अननेसेसरी बट एनीवेज ना, मैं इट गया। वाज वेरी मच नेसेसरी भाई। आप यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज अननेसेसरी इन माय स्क्रीन। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी। इफ इट ओके वाज अननेसेसरी देन यू हैव टू लिसन वन थिंग मोर। ओके, ओके एक और सुनना अच्छा पड़ेगा आपको, प्लीज हेलो। सॉरी। स्टोरीज, कृष्णा, ब्रह्मा, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टुपिडिटीज, ऑल ऑफ योर सो कॉल्ड गॉड्स आर बीनीथ मी, अंडर मी। आई डोंट इवन पिस ऑन देम बिकॉज माय पिस इज बेटर देन योर गॉड्स। आई डोंट इवन पिस ऑन देम बिकॉज माय पिस इज बेटर देन योर गॉड्स, बिकॉज माय पिस 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 इज बेटर देन योर गॉड्स। दैट्स हु आई एम। जी हाँ, अरे यार मुझे एक और समझ नहीं आ रहा, नेसेसरी, वीडियो क्यों एक चला और, रहा है? क्या एक और पॉइंट है? आप नेसेसरी। हाँ साबित क्या एक और करना? नेसेसरी मुझे याद आ गया, वो आपने अरे बोला है तो साबित मुझे तो भाई, बताइए, एक मिनट साबित जरा। क्या करना चाह रहे हैं? मैं अभी ओ भाई पूरी वो बात नेसेसरी, लास्ट में भी तो नहीं कर नेसेसरी आपकी। भाई, वो नेसेसरी नेसेसरी याद आ गया। चलो भाई, है ना, रुकमणि को छो देंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के छो देंगे, है ना, बराबर। और जो तेरी कृष्णा है, कृष्णा की तो गाड़ मारूंगा मैं, तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गाड़ मरवाया। ये आर्या समाजी थे, ठीक है, अच्छा इसलिए हाँ नेसेसरी है। ये सारे ओके, आर्या समाजी हैं। अब आपको पता अरे चला है क्यों नेसेसरी है मेरे भाई? सुन तो लो यार, मैं कह रहा हूँ कि जो कोई जो भी आ रहा है समाजी होगा ना, वो सबसे पहले वाणी हिंसा नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। अगर वो भाई आ ये रहा है तो हुआ समाज, है भाई, हाँ ये तो हुआ है, हुआ है। गलत है, कंडेमनेबल है, तो
तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, मेरा एक सवाल था आप। नहीं, आप आर्य समाज से है ना, तो मेरा भी सवाल बनता है ना, आप आर्य समाज से हैं तो आपने कहा है तो नहीं हूँ मैं आर्य समाज से नहीं है। हाँ हाँ, मैं एक साल पहले से एथिस्ट था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब मैंने कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, हमेशा स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, और कभी भी मतलब ऐसा इस पर कोशिश नहीं करी समझने की ग्रंथों को। तो एक ऐसे मेरे को वीडियो मिल गई एक बार, मतलब एक्स मुस्लिम्स वगैरह की, तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया फिर कि सनातन ठीक है। हेलो, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट एडम भाई, आप वाकई मीम आपने बना दिया, बड़ा जबरदस्त, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका स्वागत करते हैं, फर्स्ट टाइम आप आए हैं गालबन, तो आपका स्वागत करते हैं हम, बड़ा अच्छा लगा। ले दोस्तों, ये एथियस्ट थे और सनातन बैकग्राउंड से हैं और एक्स मुस्लिम का चैनल सुना, और सवाल करना है। हेलो, चैनल यानी ये ऐसे ही है कि कोई कुकिंग चैनल सुनकर जिम स्टार्ट कर दे। अरे, कोई कार्टून नेटवर्क देखकर साइंस को ज्वाइन कर ले। जी, को नेशनल ज्योग्राफी के चैनल देखकर शादी करवा ले। हेलो, एक्चुअली दैट वाज अननेसेसरी। जी नहीं, मैं सुनी तो पूरी बात, मैंने क्योंकि मैंने देखा कि इस्लाम का इतना क्रिटिक हो रहा है तो हमारे भी धर्म का तो हो रहा होगा ना, तो मैंने तब शुरू किया, ऐसा नहीं कि मैंने कि मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हां हां, दैट मेक्स सेंस। मीटिंग में हां, दैट मेक्स सेंस। हां, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने फिर आर्य समाज की वीडियो मिली, तो मेरे को उनका एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा सच बात करते हैं। बहुत सारे जैसे लोग होते हैं ये इस्कॉन वगैरह वाले, ये बहुत झूठ पे चलते हैं और वेदों को भी नहीं मानते, वाणी हिंसा करते रहेंगे है ना, और ये थोड़ा नशा वगैरह करते रहेंगे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं आर्य समाज से अभी प्रभावित हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा अच्छा, यानी आपको ये लगा कि आर्य समाज जब भी बात करते हैं तो सच्ची बात करते हैं, राइट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो विद रेफरेंस बात करते हैं, अनलाइक कि कोई भी ऐसा कोई साधु संत हो जो फेक होते हैं कई सारे। तो ठीक है, ठीक है, चले हम ना आपके कहने पे मैंने सोचा कि आप चूंकि कह रहे हैं तो, और आपने बताया भी, और मुझे लग रहा है कि आप सच्चे आदमी हैं, क्योंकि आप सच को अगर पसंद करते हैं तो आप सच्चे आदमी ही होंगे। ठीक है, तो चले मैं ना आपसे पूछने लगा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं आपसे पूछने के लिए कि ये सच कितना सच है, ये आपने मुझे बताना है। नहीं, ये और पेज है। जी, ये देख लिया आपने, पेज नंबर है 190। ठीक है, आर्य समाज की धार्मिक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची गई। नहीं, बायोग्राफी नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची गई है, उन्होंने ये किताब लिखवाई है। आपने चूंकि कहा कि वो सच बोलते हैं और प्रमाणों के आधार पर बोलते हैं, ये हिंदी तो आपको आती होगी, इधर पढ़िएगा भाई यहाँ से। जी भाई, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यवादी सृष्टि है वान ही। उत्तर, ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्यवादी प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि ये नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आगे हिंदी ये पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि में सब पदार्थ और प्रजा बचती है और ये ही सबको वसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, ये पश्चात उनमें इसी प्रकार संदेह है, और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोगों का मनुष्यवादी सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकते हैं? इसलिए सर्वस्व मनुष्यवादी मनुष्यादि सृष्टि है। अच्छा, मुझे एक बार इसकी इंग्लिश दिखा देंगे मेरे को, मतलब हिंदी कभी
इंग्लिश मुझे तो कहा जाता था कि मैं जब इंग्लिश पेश करता था तो मुझे कहते थे ये क्या इंग्लिश पेश कर रहा है, हिंदी पेश कर। मैंने हिंदी पेश की है तो अब मुझे लोग कहते हैं इंग्लिश पेश करो, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मेरे मेरी परेशानी ये है कि मैंने बस 8th क्लास तक ही हिंदी पढ़ी अच्छे से। आप इंडिया से ही है ना? हाँ जी हाँ जी। सनातनियों सुन रहे हो, ये भाई इंडिया से हैं और हिंदी मैं पढ़ रहा हूँ बस, इससे आप अंदाजा कर लो क्या हालत हो रही है। तभी तो मैं कहता था ना, मैं थोड़ा एथिस्ट टाइप का था ना, पहले मानता नहीं था ईश्वर वगैरह में, लेकिन जब मैंने वीडियो देखनी शुरू करी ना ये एक्स मुस्लिम या आर्य समाज के, तो मुझे समझ आया। हाँ, अब मैं आपको इसका क्रक्स निकाल कर बता देता हूँ, अगर आपको मेरे पे विश्वास है ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए मुझे स्पेशल इंग्लिश निकालनी पड़ेगी जिससे हमारा समय व्यर्थ जाएगा, उसमें भी ये चीज आपको मिल जाएगी। तो क्रक्स मैं निकाल देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है, जो कि आर्य समाज के बानी हैं, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामी धार्मिक पुस्तक लिखते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सूर्य पर या चंद्र पर या दूसरे दूसरे जो नक्षत्र हैं उन पर मनुष्य आदि प्रजा वसती है? वो उत्तर देते हैं, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि वहां पर है, प्रजा बसती है। अगर दुनिया पे बस सकती है तो सूरज पे भी बस सकती है, चांद पे भी बस सकती है। मेरा सवाल यह है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, कहां से सिद्ध होता है कि सूर्य के ऊपर या चंद्र के ऊपर मनुष्य बसते हैं? जी हाँ, सूरज के ऊपर तो नहीं बस सकते, लेकिन चंद्रमा के ऊपर तो टेक्निकली पॉसिबल है साइंस के माध्यम से, लेकिन थैंक यू आपने सही कहा। मगर यहाँ सूरज में यहाँ पे ऐसा भी मतलब हो सकता है कि किसी दूसरे सूर्य को कहा गया हो, क्योंकि कौन सा सूर्य, आई मीन सूर्य मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम को कहा हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य चंद्र और तारे एक साथ नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। आप बड़े अच्छे भाई हैं, और आर्य समाज का चौथा नियम है कि सत्य को कदापि आप त्याग नहीं सकते, उसको स्वीकार करें। सूर्य चंद्र, झूठ नहीं बोला, हाँ नहीं ठीक है आपकी बात अच्छी है। सूर्य और चंद्र ये अलग अलग डिस्कस हुए हैं, आपका सोलर सिस्टम डिस्कस नहीं हुआ। फिर यहां ये देखें, यहां पर कहा गया ये सब भूगोल लोक, इससे भी कैटेगोरिकल पता चलता है कि सत्ता के इवन सूर्य पर भी सब भूगोल लोक, यानी ये जो सब आपके सामने नक्षत्र घूमते हैं जितने वासु हैं, यहां पर देखें पृथ्वी को डिस्कस किया है, जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इससे पता चलता है कि यहां सूर्य का शब्द सोलर सिस्टम के लिए नहीं बल्कि सेपरेट एक जो सूरज है उसके लिए आया है, इस तरह चंद्र भी ठीक है। अब देखो भाई, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि सूरज जो होता है ना उसकी सरफेस होती है वो इतनी मतलब इतना हमारे पास मटेरियल है कि उसका हीट झेल सकती है, लेकिन अब जो भी है खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो है कांड 14 का प्रमाण दिया है, और आपको याद रखना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मणास जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मणा है, यानी वेदों से लिंक किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस रिसर्च को, तो ये थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट के तौर पर, यानी हाँ ठीक है आप कह सकते हैं थ्योरी है, बट उन्होंने प्रमाण दिया है, शाब्दिक प्रमाण ये दिया है कि इनको वासु बोलते हैं। अब वासु इसलिए बोलते हैं कि ये वसने के निवास स्थान है, निवास कराने के स्थान है। अब ये बोलते हैं भी सूर्य जिस चीज का निवास करवाता है, ये जिसको बसाता है वो है पृथ्वी। अच्छा, इसी तरीके से चंद्र जिनका निवास करवाता है वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन का कारण सूर्य और चंद्र के कारण तो हो सकता है, मगर इससे कैसे सिद्ध होगा कि जैसे पृथ्वी के ऊपर है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है, यहां पर सिस्टम चलता है, चंद्र की वजह से मौसम बनते हैं, लिहाजा जी सूर्य के ऊपर भी होगा। ये ऐसे ही है कि मैं ये कहूं कि एक कमरे में लाइट है, वो लाइट कमरे को रोशन करती है ठीक है, और तब चीजें वहां पड़ी होती हैं, टेबल वगैरह कमरे में आता है, लाइट वगैरह आप देखते हैं, इसी तरह बल्ब के अंदर भी टेबल भी होगा, वहां भी कोई रह रहा होगा। ये तो ऐसे है, ये एक जो आपने जो रिलेट करने की कोशिश करी है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि बल्ब तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, लेकिन सूरज के ग्रेविटेशनल के पास अगर हम थोड़ा पास जाए, थोड़ा और नजदीक जाए तो कुछ हद तक हम रह सकते हैं। हम मानता हूँ नहीं,
थ्योरेटिकली रह सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक नहीं है, थैंक यू। फिलहाल के लिए थैंक यू। साइंस इतनी डेवलप नहीं है ना सर। नहीं नहीं देखें, साइंस कितनी भी डेवलप हो जाए, शतपथ ब्राह्मण के पन्नों के अनुसार जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने इसको साइंस के साथ लिंक नहीं किया, बल्कि ये कहा है वहां पर, ये आपने याद रखना है, यानी साइंस के साथ लिंक ना करने। वैसे वैसे पहले तो मैं जो उपमा मैंने दी थी बल्ब की, उसको मैं बता दूं, यहां पर एक कारण बयान किया गया है कि निवास करने के घर हैं, ठीक है, निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। सुने जरा, सूर्या नहीं है ना निवास करने का घर। हो सकता है, हो सकता है। कैसे भाई है तो फिर मुझे दिखा दे कोई है। नहीं थ्योरेटिकली हो सकता भाई, है थ्योरेटिकली मैं ये भी तो फिर थ्योरेटिकली आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों नहीं मानते कि हनुमान सूरज खा गया था। थ्योरेटिकली स्पीकिंग पॉसिबल है वो तो थ्योरेटिकली नहीं वो थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है। क्यों हाँ, तो प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो मुझे बताएं सूर्या के ऊपर लोग कैसे रह रहे हैं, प्रैक्टिकली बताएं। नहीं मैंने कब बोला प्रैक्टिकल, मैं तो थ्योरेटिकली कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। आपने कहा नहीं, आपने कहा अभी भी कह रहे हैं थ्योरेटिकली है। हाँ थ्योरेटिक, अभी भी थ्योरेटिकली कहूंगा। अच्छा चल पेश करें, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करें कि कैसे रहेंगे सूरज के ऊपर। मैं बता देता हूं। देखो अभी नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था सन पे, सोलर पार्कर करके नाम है उसका। तो अगर हम स्पेसक्राफ्ट वहां तक भेज सकते हैं तो हम स्पेसशिप क्यों नहीं भेज सकते? स्पेसशिप भेज सकते हैं। अब आप देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें लोग रहते हैं बकायदा, धरती से बाहर रहते हैं, लेकिन अब वहाँ धरती से बाहर रह सकते हैं। अब एलन मस्क चांद पे जा रहा है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर चांद का दिन में होता है करीब 200 डिग्री सेल्सियस। तो सूरज के लिए भी ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है सर, और कई सारे मटेरियल भी आपको ऐसे मिल जाएंगे साइंस में जो सूरज की गर्मी, जो सरफेस लेवल की गर्मी है वो भी झेल सकता है। जी ठीक है। अच्छा मैं आपकी एक्सप्लेनेशन पे ना यकीन करें हैरान हो गया हूं कि एक बंदा इस गलत चीज को सिद्ध करने के लिए क्या एक्सप्लेन करे। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या भेजा है उन्होंने पास? सैटेलाइट भेजा है, सैटेलाइट भेजा है जी, सोलर है ना, क्या किया उसने? हाँ क्या किया? सूरज की स्टडी करी थी ना। अच्छा नहीं, सूरज की स्टडी करना, मिसाल के तौर पर आप जो आपका चूल्हा है स्टोव, गैस स्टोव होता है, उसके पास खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। बिना प्रोटेक्शन के नहीं। क्या कह रहा हूँ भला मैं? सुना है आपने कहा कि उसके क्या कहते हैं चूल्हे के पास नहीं खड़े हो सकते। चूल्हे के पास अम्मी खड़ी होती हैं, दीदी खड़ी होती हैं ना घर में, रसोई घर में जी। हाँ, क्या कौन क्या प्रोटेक्शन होती है उनकी? कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, कुछ चिमटा का यूज करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दीदी या माता जी तवे के ऊपर बैठ सकती हैं, उस आग के ऊपर? हाँ, अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहने तो बिल्कुल पहन सकती हैं। अच्छा ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदी या माता जो है वो चूल्हे के ऊपर भी बैठ सकती हैं, ठीक है ना, ये आपने कहा है प्रोटेक्टिव गियर के साथ। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि सूरज के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कौन सा प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है, ये दिखाएं मुझे। अरे तो रह कौन रहा है? जरा थोड़ा सुनते जाइएगा कहां तक चीज चल रही है। अच्छा जी। नहीं तो रह कौन रहा है? मैंने कब बोला कौन रह रहा है? रह कौन रहा है कह रहे हैं भाई। एडम भाई प्रैक्टिकली नहीं, तुमने थियोरेटिकली कहा है ना। हाँ हाँ, तो थियोरेटिकली आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ थियोरेटिकली नहीं कहा जा रहा, यहाँ फैक्चुअली क्लेम किया जा रहा है कि वहां रहते हैं लोग। आप पता क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को थियोरेटिकली पेश करते हो जो कि थियोरेटिकली भी इम्पॉसिबल है कि वहां रहा जाए। अच्छा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सन के अंदर इस वक्त जो सन की साइंस है, अगर आप उसको रखो कि उसकी हीट कैसे लेयर्स के अंदर बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सूरज की अपनी हीट उतनी नहीं है जितनी लेयर्स की है। इस पर रिसेंटली अभी स्टडी आई थी कि लोग ये अभी रिसर्च कर रहे हैं, इस साइंस की जो सन है उसकी हीट इस कदर बढ़ क्यों जाती है जबकि उसका अपना ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो लेयर्स की हीट से कम होता है कंपेयर टू दैट ओरिजिनल जो उसकी सरफेस है। अब ये उन्होंने स्टडी कर रहे हैं, जारी बात है जो उससे रिएक्शन आता है, जो वो इफेक्ट फील करते हैं उसके थ्रू। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो जी सैटेलाइट पास चली गई,
वो पास चली गई तो अंदर कैसे चली गई, इससे कैसे पता चलता है? आपने तो चूल्हे के ऊपर भी बिठा दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप चूल्हे के पास खड़े हो सकते हो, आप तंदूर के पास खड़े हो सकते हो, तंदूर के अंदर नहीं जाते आप। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात।